ये है माध्यमिक का रूटीन, टाइम टेबल आउट हो चुका है। क्या आपको भी ऐसे ही मिले हैं कोई मैसेज? क्या आप भी सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 3 फरवरी से? तो आप घबराइए मत, ये रूटीन पूरी तरह से गलत है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ये जो रूटीन आप लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल दिख रहा है, ये पूरी तरह से फेक है। ये कैसे फेक है मैं वो आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं वीडियो में ये भी बताऊँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या डिसीजन दिया और उनके कहने का मतलब क्या था, तो फिर ये रूटीन आया कैसे, इन सभी बातों पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम की तरफ और देखते हैं आज का ये न्यूज़। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह का एक मैसेज मिला होगा जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के माध्यमिक का एग्ज़ाम का रूटीन आउट हो चुका है, जिसमें एक विश्व बांग्ला का एक लोगो भी लगा हुआ है, जिससे कि आपको ये यकीन हो जाए कि ये रूटीन पूरी तरह से सही है। पर ये रूटीन पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी आउट नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोग को ये भी बता दूँ, ये जो है ये 24 तारीख को आउट किया गया दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों को जो न्यूज़ मिला सिलेबस डिडक्शन और एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो जी का जो बयान था, उस बयान के मुताबिक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट वीडियो के साथ और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। स्कूलेर विषय तो हमें आबार बोलछि जे स्कूल खोलवार आगे সেটা COVID-19 অনুযায়ী যাতে পড়া যায় সে বিষয়টা আমরা প্রথম প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণটা তো দেখব, রক্ষণাবেক্ষণটা আগে হোক, ইতিমধ্যেই সরকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলব। না রে, এটা উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, এগুলো তো আমরা ঠিক করি না। উচ্চশিক্ষা যেটা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক, সেটা উচ্চশিক্ষা সংসদ করবে, আর যেটা মাধ্যমিক সেটা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ করবে, তারাই নির্দিষ্টভাবে ঠিক করবে কি হবে না হবে। আমরা সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি রয়েছেন টেলিফোনে। শিক্ষামন্ত্রী জানালেন যে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এবং যেহেতু প্রচুর উদ্বেগ আসছিল অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে, তাই তারা এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে নিলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কোন কোন বিষয়ে কতটা করে সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন খুব শীঘ্রই করবে। তবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা রাজ্য কবে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে সেই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি এদিন। ধন্যবাদ সোমরাজ। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी डिसीजन उनके द्वारा नहीं लिया गया है, जो भी डिसीजन होगा वो माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा परिषद का ही डिसीजन होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों ने रिपोर्टर के उस बात को भी सुन लिया जिसमें उन्होंने कहा है कि साफ साफ पता चल रहा है कि अभी तक कोई एग्ज़ाम का डेट आउट नहीं किया गया है और ना ही शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ बयान दिया है। इसका मतलब कि अगर डेट का एग्ज़ाम आउट नहीं हुआ है तो फिर ये एजुकेशन के बिना और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिना आउट किए ही ये रूटीन कैसे आउट हो गया। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये डिसीजन आया था वो 25 तारीख को आया था। अगर 25 तारीख को वो ये कह सकते हैं कि रिड्यूस किया गया है सिलेबस, पर वो डेट अनाउंस नहीं किए, इसका मतलब कि अगर 24 तारीख का डिसीजन था, अगर 24 तारीख का प्रिंट आउट है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो नहीं बताएंगे? इसका मतलब कि ये रूटीन पूरी तरह से फेक है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को इसके ओरिजिनल वेबसाइट पर ले चलूं तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को सिर्फ सिलेबस डिडक्शन का ही नोटिफिकेशन ब्लू कलर में यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हैं यहां पर दिखा रहा है। इसका मतलब कि अभी तक ओरिजिनल वेस्ट बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये जो नोटिस है ये पूरी तरह से फेक है, अर्थात ये आप लोग का रूटीन नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि ये रूटीन ओरिजिनल है, किसी ने ऐसा बनाया और बना करके उसमें विश्व बांग्ला का एक लोगो डाल दिया, जिससे कि सभी छात्रों को ये यकीन हो जाए कि ये जो रूटीन है ये ओरिजिनल है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा,
जब तक कोई ओरिजिनल वेबसाइट से आपको रूटीन न मिले तो आप लोग यकीन न कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें दोस्तों कि हम लोग जो भी प्रूफ देते हैं, हम लोग जो भी न्यूज़ आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वो भी प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग खुद इस लिंक को चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। और जैसे ही दोस्तों कोई रूटीन का डेट आउट होता है मैं आप लोग को तुरंत अपडेट करूँगा। तो इस अपडेट को पाने के लिए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, साथ ही साथ नए नए अपडेट्स आपको इसी चैनल से प्राप्त होंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह का न्यूज़ आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हो, CBSE बोर्ड का हो, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, JEE का, NET का, सारे न्यूज़ अपडेट आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आगे की वीडियो और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में एक बार फिर से नए अपडेट के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। जैसे ही टाइम टेबल का डेट आउट होता है और निकलता है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।